खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज। हर ताज़ा वो अहम खबरों के लिए HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल हैदराबाद सेंट्रल न्यूज में। जायदाद के तनाजे के चलते सगे भाइयों ने अपनी बहन पर किया हमला और अपनी बहन को वालदा से मिलने नहीं दिए। तफसील सुनिए सगे तीन भाइयों के जुल्म का शिकार बहन और भाई की जुबानी। नाजरीन, लगता है कि क़यामत के आसार है, क्योंकि अपना ही माशरा एक दूसरे पर हमले और कत्ल कर रहे हैं। जायदाद के लिए भाई भाई का कत्ल कर रहा है और कोई रिश्ता नाता नज़र नहीं आ रहा। आखिर हो क्या रहा है? हमारा माशरा गुमराही की तरफ रागिब हो रहा है। दीन से दूरी ही ऐसे जरायम का इर्तिकाब करने पर मजबूर करती है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मज़ीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए हैदराबाद सेंट्रल न्यूज़ से। और तीन बहनों का भी हिस्सा माँ लिख के दे दिया 15 ईयर्स पहले, लेकिन वो जो हिस्सा है मेरा, हम तीनों बहनों का, मेरे भाई तीनों कब्जा करके बैठे हुए। अब मैं आज मेरी माँ से मिलने, तीन महीने से मेरी माँ से मिलने दे रही, आज मैं मेरी माँ से मिलने गया तो मेरे तीनों भाइयों और तीनों भावाजा तीनों मिलकर मेरे को इतनी मार मारे हैं, तीनों मेरे पैसा मिलते। और बड़े भाई बोल रहे हैं कि सिग्नेचर जब तक नहीं करें तो मेरे को माँ से मिलने नहीं देते, बोल के बोल रहे। ये उसूल है क्या बोलिए आप? ये हक ना हक ये भी देख रहा है अल्लाह, उनका कुछ वो ईमान नहीं है क्या? अब ये बोलिए मीडिया पैक के लिए सिग्नेचर पूछ रहे जी, सिग्नेचर पैक के लिए पूछ रहे हम के, हमारी जो प्रॉपर्टी हम तीनों बहनों की, वो बड़े भाई तीनों कब्जा करना चाह रहे हैं और बोल रहे हैं कि वो सिग्नेचर करके दे दो तभी माँ से मिलने देंगे, जब तक आप यहाँ से जाइए बोलो। मैं जबरदस्ती कहा मैं मेरी माँ से मिला, बहुत एजेंट है मेरी माँ, मैं मेरी माँ से मिलना, सिर्फ एक नज़र देखना चाह रहा हूँ मेरी माँ से, तीन महीने से मिलने दे रहे तो मेरे को इतनी बुरी मार मारे, मेरे मुंह से खून निकल रहा। कौन मारे आपको? कितने जने मारे? भाभियाँ और मेरे तीनों भाइया मिलके मारे हैं मेरे को। सगे भाई आए? हाँ, सगे भाई आए मेरे। एम ए रजा, एम ए रहीम, एम ए मोहित। आप पुलिस कंप्लेंट करें? पुलिस कंप्लेंट करा तो तभी मेरे को यहाँ हॉस्पिटल को भेजाए हैं। बोलो कौन से PS में करे? मलकपेट PS में। और तीनों भाभी मेरे मोना है, फिरदौस है और नाजिया, ये तीनों मिलके देखे तो मेरे को मार, ये इंसाफ है क्या बोलिए? एक माँ के लिए मैं तड़प रहा हूँ, तीन महीने से मैं बेचैन हूँ मेरी माँ के लिए। मैं कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ, कम से कम मेरी माँ से मेरे को मिला दीजिए, बस मैं मेरी माँ की एक नज़र देखना चाहता हूँ। ये उन लोग के फोटोज भी बता दीजिए कौन कौन है और उन लोग का FK ऑटो पार्ट्स नहीं बता दीजिए तो। देखिए देखिए मेरी माँ जो हम लोग को दिए हैं, प्रॉपर्टी के पेपर भी है मेरे पास। थोड़ा सामने कीजिए मैडम उसको, थोड़ा सामने करिए आप, देखिए फोटो बराबर है, बराबर है। देखिए हम तीनों बहन है और ये मेरी माँ है। देखिए ये प्रॉपर्टी आपकी मदर के नाम, मेरी माँ के नाम पे है ये, उनका हिस्सा उनको दे दिए चारों भाइयों का, हम लोग का जो हिस्सा कब्जा करना चाह रहे हैं। अगर नहीं ये तो इतनी मार पीट कर रहे हैं हमेशा, ये इंसाफ है क्या बोले? मैं कमिश्नर साहब से अपील करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि हमारे मेरी माँ को मिला और मेरा हमारा हिस्सा हम लोग। FIR हो गया जी? FIR लेटर में एक बार वो भी ऑटो पार्ट्स। तो ये कितने दिन से लगातार आपके ऊपर जुलूम कर रहे हैं लोग? ये तीन महीने से। तीन महीने से ये प्रॉपर्टी बेचकर आप कितने महीने हो गया है? ये लगभग 3 महीने हुआ। जो रजिस्ट्रेशन हो गया, जो ओनर खरीदे वो रजिस्ट्रेशन करा लिए, तो फिर भी उन लोग क्यों आपके साथ हैरेसमेंट कर रहे हैं? आने भी नहीं दे रहे। तो आज आपको जो मारने की वजह क्या है आपको? मेरी माँ से मिले तो एक नज़र देख ले, तो तीन महीने हो गए अब तक नहीं मिला मेरी माँ से। बाद में मैं फ़ोन पे मैसेज भेज रहा हूँ, एक बार मेरी माँ से बात करो, वीडियो कॉल करो, बोला तुम्हारी माँ है भी जो हमें, हम मिलाते भी नहीं, क्या कर लेते, क्या उखड़ लेते, उखड़ लो हमारा, बोल के बोल रहे हैं। हमारे पास भी गुंडे और मेरे छोटे भाई को भी बोल रहे हैं कि जान से मारने की धमकी भी दे रहे मेरे को। मेरे बड़े भाई या तीनों, उनका नाम नाम बोलिए जो आपको जो वॉर्न कर रहे हैं, आपको जो डरा रही, उनका नाम बोलिए। रहीम, एम एम मोहित जी, ये तीनों। आज मैं मेरे दोनों बेटियों को लेके नानी से मिलते बोल के गए तो मेरे बच्चियों को तक मारे वो लोग। तो आप क्या चाह रहे अभी? मैं इंसाफ चाह रहा हूँ, मेरी माँ से मिलना चाह रहा हूँ और मेरा हक चाह रहा हूँ जो मेरा है। पेपर तक है मेरे पास, प्रूफ तक है। तो आप पुलिस से अपील क्या करना चाह रहे हैं? आप गवर्नमेंट से, तेलंगाना गवर्नमेंट से, तेलंगाना गवर्नमेंट से अपील करना चाह रहा हूँ मैं कि मेरा हक मुझे दो। ये क्या है, ये गलती है इन लोगों का, अल्लाह और कुछ नहीं है इन लोगों को। अभी पुलिस कुछ एक्शन लिया आपके पास कंप्लेंट के बाद, उनको कोई अरेस्ट करे जा? अभी तो मैं हॉस्पिटल आया ये बताने के लिए, अभी FIR दर्ज करना। एमएलसी हो गया आपका? जी जी हो गया। मेरी उम्मीद है कमिश्नर साहब से कि मेरी गुजारिश होंगे, वो कुछ मेरे लिए कुछ एक्शन लेंगे वो लोग। ओके, थैंक यू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल मजीद है, मैं मलकपुर टीवी टावर का रहने वाला हूँ। मेरा
मैं मलक पे टीवी टावर का रहने वाला हूँ। मेरा घर मकान मलक पे टीवी टावर पे है। आज 3 महीने से मेरे भाया मेरे घर से हटा दिए, मेरे घर में घुसने नहीं दे रहे कोई। मेरा सामान, मेरी गाड़ी, मेरा कपड़े, मेरे हर चीज़ है वहाँ पर ही। आज मेरे घर पे आने के ऊपर धमकी दे रहे मेरे घर। वजह क्या है आपके भैया ने आने दे? मेरे हमारे वालदा 5 हिस्से करे हमारे घर के, जिसमें से 3 हिस्से उनको दे चुके। 3 हिस्से में से उनको रजिस्ट्री भी हो गई उनकी। आज हमारे मेरे बहन का हिस्सा जो है वो हमारा है, वो हमारे हिस्से पे उनकी नीयत ख़राब हो गई शायद, तो उस पर कब्ज़ा करने बैठे। आज हम परेशान हैं तेलंगाना गवर्नमेंट साहब से और CP हमारे अंजनी कुमार। तीनों भैया एक है, आप और आपकी बहन अलग है? हम तीन बहना है मेरे को, मैं उन 3 बहनों का एक हिस्सा है, मेरा एक हिस्सा है। अच्छा, जो उन लोगों उस पर नीयत ख़राब कर चुके हैं। आज हम परेशान, मैं बहुत परेशान हूँ। खासकर आज हमारे बहन जो गए मैं मिलने से, वालदा से मिलने भी नहीं दे रहे 3 महीने से। हमारे बहन परेशान होकर गए तो उनको बहुत तरीके से हमारे मोहम्मद अब्दुल रज़ाक, मोहम्मद अब्दुल रहीम, मोहम्मद अब्दुल मोई और उनके वाइफ्स मिलके, तीनों वाइफ्स मिलके बहुत मारे उनको मारे। आज हम लोग शुमालिया में आए उनको मेडिकल करवाने के लिए। पुलिस कंप्लेंट कर दिया? पुलिस कंप्लेंट के लिए मैं 2-3 बार जा चुका, लेकिन मेरी अपील कोई सुन रहा नहीं। अभी मारने के बाद गए थे आप? मारने से पहले बहन सब गए तो उन लोग लिख के दिया हॉस्पिटल आने के लिए। अच्छा, अब हॉस्पिटल में करवा एमएससी करा के जा रहे मलक पे PS में हम लोग कंप्लेंट करें। आज तेलंगाना गवर्नमेंट से मेरी अपील है कि मेरी मदद कीजिए। CP साहब अंजनी कुमार यादव से मेरी मदद कीजिए। आज मैं एक हैंडीकैप हूँ, मेरे बहुत माजूर हूँ, मैं हर चीज़ से माजूर हो गया। आज मेरी गाड़ी वहाँ है, मैं कारोबार कैसा करूँगा? मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी इल्तिजा कौन सुनेगा? मेरी परेशानी कौन सुनेगा? मैं मेरे को मेरा सामान, मेरी गाड़ी, मेरा वो चीज़ और मेरी वालदा से मिलने का परमिशन सब दिला दीजिए। मेरे तो मेरा कानून आपको आपके वालदा से भी मिलने नहीं दे रहे? मिलने नहीं दे रहे, आए तो मेरे मर्डर कर देते बोल रहे हैं। मेरे भाया बोल रहे हैं, तीनों भाया बोल रहे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग मेरे पास एक ही भाई की है जो बोल रहे हैं। उनका नाम क्या है? मोहम्मद अब्दुल रज़ाक। तीनों भाया बोल रहे हैं, आज तीनों भाया मिलके आज बहन गए तो बहन को मार दिए, कल मैं गया तो मेरा क्या करेंगे लोग? आज मेरे गवर्नमेंट से ये इल्तिजा है कि हमारी प्रोटेक्शन, कल को मेरे को कुछ हो गया मेरी जान का धोखा है लोगों से, मैं किसके पास जाऊँगा? आज मेरी कौन सुन रहा? कोई भी नहीं सुन रहा। आप लोग तो सुनिए, मेरे CP साहब अंजनी कुमार यादव से भी मेरी ये उम्मीद है साहब से कि हमारी इल्तिजा सुनिए। आज मैं कंप्लेन लिखाने जा रहा हूँ, ये वो कंप्लेन की कॉपी है शायद, मैं लेकर फिर रहा, लेकिन कोई ले रहा नहीं मेरी कंप्लेन। बताइए। आज शायद ले मैं परेशान हूँ, आप लोगों की हेल्प बहुत बहुत हेल्प चाहिए मेरे को, शुक्रिया। ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने HCN हैदराबाद सेंट्रल न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।